रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट झारखंड की कॉल सेंटर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे नागरिकों द्वारा पंजीकरण इस ऐप के माध्यम से कैसे किया जाता है। आपको क्लिक करना होगा साइन अप पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक फॉर्म दिखेगा जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स अंकित करनी होगी। जैसे कि सबसे ऊपर दिखेगा आपको नाम, यहाँ पर आपका नाम दर्ज कीजिए। नाम अंकित करने के बाद आपको एंटर करना होगा आपका जेंडर, जैसे कि मेल और फीमेल का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर मैंने अपने जेंडर सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको ऑप्शन दिखता है डेट ऑफ बर्थ का, जहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ अंकित करना होगा। यहाँ पर अब मैं अपना डेट ऑफ बर्थ अंकित कर चुका हूँ, वैसे ही आपको भी अपना डेट ऑफ बर्थ अंकित करना होगा। फिर आपको ऑप्शन आता है फादर्स नेम का, यहाँ पर आपके पिताजी का नाम एंटर करें। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, आपका मोबाइल नंबर एंटर करें। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको आपका पासवर्ड चुनना होगा। कृपया पासवर्ड पर क्लिक करके आपका पासवर्ड चुनें। जैसा आप देख पा रहे हैं अब मैं अपना पासवर्ड चुन चुका हूं। इसके बाद आपको क्लिक करना होगा डिस्ट्रिक्ट पे, जहां पर से अपना जिला आपको अंकित करना होगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट यहां पर उपलब्ध हैं झारखंड में, वो सारे के सारे यहां पर दिए गए हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर से आपका डिस्ट्रिक्ट चुनें। डिस्ट्रिक्ट यानी जिला चुनने के बाद आपको ब्लॉक एंटर करना होगा, ब्लॉक चुनें। ब्लॉक चुनने के बाद आपको अपना पंचायत चुनना होगा, पंचायत चुनें। पंचायत चुनने के बाद आपको आपका गांव यानी कि विलेज चुनना होगा। जैसा आप देख पा रहे हैं अब ये फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको क्लिक करना है साइन अप पे, साइन अप पे क्लिक करें। साइन अप पे क्लिक करने के बाद आप लॉगिन कर पाएंगे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रांची की ऐप पर। यहाँ पर से तीन लकीरें जहाँ पर आपको दिख रही हैं वहाँ पर क्लिक करके आप आपकी भाषा को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। मैंने हिंदी पर क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर लिखा आ रहा है भाषा को सफलतापूर्वक बदल दिया गया है। ठीक पे अगर आप मैं क्लिक करता हूँ तो ये सबमिट हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर ऑप्शन हिंदी में दिखेंगे। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे बिल्कुल यही रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हिंदी में कैसे फॉलो किया जाता है। तीन लाइंस पे वापस से क्लिक करके आप ऑप्शंस पे जाइए और लॉगआउट पर क्लिक करें तो आप लॉगआउट कर पाएंगे। हिंदी में रजिस्ट्रेशन के लिए अब हम बताएंगे, रजिस्ट्रेशन करें पे क्लिक करें। यहाँ पर आपका नाम दर्ज करें। नाम दर्ज करने के बाद आपका जेंडर सेलेक्ट करें, आपकी जन्म तिथि दर्ज करें। जन्म तिथि दर्ज करने के बाद पिता का नाम दर्ज करें। फिर आपका मोबाइल नंबर अंकित करें। फिर आपको पासवर्ड चयनित करना है, पासवर्ड का चयन करें। फिर आपको अपना जिला यानी डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा,
यहाँ से आपका डिस्ट्रिक्ट चुनें, ब्लॉक का चयन करें, पंचायत का चयन करें, गांव का चयन करें। जैसा आप देख पा रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा भर चुका है, रजिस्ट्रेशन करें पे क्लिक करें। अब यहां पर इसका पेज खुल चुका है, आप देख पा रहे हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। 3 लाइंस पर क्लिक करके आप यहां पर से आपका पासवर्ड बदल सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, लॉग आउट कर सकते हैं, रिपोर्ट चेक कर सकते हैं और भाषा का चयन कर सकते हैं। अगर मैं अंग्रेजी पर क्लिक करूंगा तो मुझे दिखेगा लैंग्वेज हैज़ बीन चेंज्ड सक्सेसफुली, यानी कि भाषा का चयन किया जा चुका है। ओके पर क्लिक करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद।